आज हम लोग सीखेंगे कि आप इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप ब्लैंक पेज ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपको लेआउट में जाना है, साइज A4, नेक्स्ट मार्जिन, कस्टम मार्जिन, आपको टॉप आप जो चाहे वो रख सकते हैं, तो हम 1 सेंटीमीटर रख रहा है, लेफ्ट 1, राइट 1 और बॉटम भी 1। आप सब 1 सेंटीमीटर रख लीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आपको इंसर्ट पे जाना है, शेप, यहाँ से रेक्टेंगल बॉक्स पे क्लिक करना है और उसे ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। नेक्स्ट आपको शेप फॉर्मेट में क्लिक करना है और हाइट आपको टाइप करना है यहाँ पे 27.7 और आपको वाइड टाइप करना है 19। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट आपको अलाइन पे जाना है और क्लिक करना है मिडिल और क्लिक करना है अलाइन सेंटर। हो जाने के बाद आप सेफ फिल रिमूव कर दीजिए, नो फिल, और सेफ आउटलाइन कलर आप हम ब्लैक दे देते हैं। आप जो कलर चाहे वो ले सकते हैं। तो इस पेज में हमने बॉर्डर बना लिया। नेक्स्ट आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, वर्ड आर्ट कोई भी एक ले लीजिए और फिर वर्ड आर्ट स्टाइल से आपको टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म, स्क्वायर। नेक्स्ट आपको होम पे क्लिक करना है और फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दीजिए इसमें क्लिक करके, और फिर आप जो भी हेडिंग टाइप करना चाहते हो वो टाइप कर लीजिए। तो मैंने टाइप कर लिया है। नेक्स्ट आपको इस आउटलाइन पे क्लिक करना है। आप जो चाहे वो फॉन्ट ले सकते हैं, मैं ओल्ड इंग्लिश ले रहा हूं। फिर आपको इस डॉट पे क्लिक करना है और इस तरीके से ड्रैग करना है। मैं थोड़ा छोड़ देता हूं क्योंकि साइड में मुझे लोगो भी चाहिए। उसके बाद आप इसको इस लाइन पे क्लिक करके मूव कर लीजिए इस तरीके से। जब भी आप एडजस्टमेंट करें, इस डॉट पे नहीं, ऊपर से आप एडजस्टमेंट करें इस तरीके से। हाँ सही होगा। नेक्स्ट हम यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे, उसके लिए इंसर्ट, सेप, आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए और फिर ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, सेप फिल, नो, आउटलाइन, नो, या हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने टाइप कर लिया है। मैं इस सबको सेलेक्ट करता हूं और होम में जाता हूं। इन सब का फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं, मैं 12 ले रहा हूं। आप जो चाहे वो ले सकते हैं। मैं आउट इस बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लेता हूं, मैं चाहता हूं ये डाउन पे आए, और यहां थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको इस तरीके से। ये स्पेलिंग मिस्टेक मैं करेक्ट कर लेता हूं। फिर इसे मूव करके हम जहां चाहे वो रख सकते हैं, तो मैं यहां रख रहा हूं। नेक्स्ट हम यहां एक बॉक्स लेंगे, उसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना है, शेप, रेक्टेंगल बॉक्स पे क्लिक करना है। आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। ड्रॉ करने के बाद आपको यहां पे वाइड में 19 टाइप करना है, हाइट में हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। सेफ फिल, नो फिल, आउटलाइन ब्लैक, और फिर अलाइन पे जाके आपको सेंटर पे क्लिक करना है। मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं इसे, यहां हो जाएगा। मैं यहां रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन फॉर्म लिखना चाहता हूं। उसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना है, कोई भी वर्ड आर्ट सेलेक्ट कर ले यहां से। उसके बाद फिर आपको वर्ड आर्ट स्टाइल से टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म और स्क्वायर। फिर वापस होम पे जाना है, फिर रिमूव करते हैं इसे, क्लियर ऑल फॉर्मेट से।
अब इसे नीचे लेके आए और इस पे टेक्स्ट टाइप कर दे। अभी हम आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और बॉल पे क्लिक करेंगे, थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं इसे, इस तरीके से इसे थोड़ा डाउन कर देते हैं, अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर लें। फिर हम इसे यहाँ रख देंगे, थोड़ा मूव कर ले आप एरो से, सही है। अभी हम यहाँ और कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और इस टेक्स्ट बॉक्स का आउटलाइन पे क्लिक करना है, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा होगा था उस पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसे नीचे लेके आ जाए और फिर इस टेक्स्ट को चेंज करके आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। मैंने टेक्स्ट टाइप कर लिया है, आप इस डॉट पे क्लिक कर ले और इसे थोड़ा छोटा कर ले, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। आप इसे ज़्यादा छोटा करेंगे तो आप देखेंगे कुछ टेक्स्ट नहीं विजिबल नहीं है, इसीलिए आप क्या करें ये जो फॉन्ट है इसे छोटा कर दे। मैं इस पर 6 टाइप करता हूँ, फिर हम इसे उठा के यहाँ रख देते हैं इस तरीके से, थोड़ा लंबा कर देते हैं, हाँ ये हो जाएगा। फिर मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ कंट्रोल डी से, मैं बाकी का इन्फॉर्मेशन टाइप कर देता हूँ। मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया है, मैं इसे उठा के यहाँ रख देता हूँ और इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाँ ये सही होगा। आप अपने हिसाब से जो चाहे यहाँ टाइप कर सकते हैं। अभी हम बाकी का इन्फॉर्मेशन टाइप कर लेते हैं, उसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना है, सेप, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, फिर इस डॉट को आप बड़ा करके यहाँ रख दे इस तरीके से, फिर इसे यहाँ रख दे, फिर इसे यहाँ रख दे इस तरीके से, फिर इसे हम ड्रैग कर लेते हैं इस डॉट को, फिर आपको इनसाइड पे क्लिक करना है, सेफ फिल जाना है, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन। आप बाकी का इन्फॉर्मेशन टाइप कर लीजिए जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ। उसके लिए आपको होम पे जाना है, मैं बोल्ड को एक्टिवेट कर रहा हूँ, साइज 12 ले रहा हूँ और इटालिक मैंने टाइप कर लिया है, एंटर प्रेस करना है। अभी मैं बोल्ड इटालिक रिमूव कर देता हूँ। अभी मुझे नंबर चाहिए यहाँ पे, उसके लिए आप इस डॉट पे क्लिक करने से आपको आपको जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। मैं नंबर ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4। उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है जिससे ये मूव होके स्ट्रेट में आ जाए। नेक्स्ट हम थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं, लाइन एंड स्पेसिंग में जाना है, मैं 1.5 ले रहा हूँ, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। और फिर टाइप कर ले आप, टाइप कर लेने के बाद आपको टैब प्रेस करना है कीबोर्ड से, मैं 2 बार प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ इस टू साइन दे देंगे, आप जब भी एंटर प्रेस करेंगे वो आपको दूसरा पॉइंट दे देगा। इस तरीके से आप सारा इंफॉर्मेशन टाइप कर ले। जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए मैंने वो टाइप कर लिया है, मुझे लगता है थोड़ा स्पेसिंग और बढ़ाना चाहिए तो मैं सबको सेलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग से 2 ले लेता हूं। नेक्स्ट आप एंटर प्रेस करें, मुझे यहां से कंटिन्यू नहीं करना है तो इसलिए बिना कुछ टाइप एंटर प्रेस करें। मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टाइप कर लेता हूँ। नेक्स्ट आप एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ मुझे बुलेट चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ बुलेट पे क्लिक करता हूँ, ये ले लेता हूँ। आपको जो भी टाइप करना है टाइप कर लीजिए, मैंने टाइप कर लिया है। अब मैं इन सब को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं इन लोगों का थोड़ा लाइन एंड स्पेसिंग डिक्रीज कर देता हूँ, ज़्यादा ही डिक्रीज हो गया तो मैं 1.5 रहने देता हूँ। हम डिक्लेरेशन टाइप कर लेते हैं, आप सबसे मैं बोल्ड ये जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसे बोल्ड कर देता हूँ, फिर एंटर प्रेस करना है, मुझे नहीं चाहिए पॉइंट, एंटर प्रेस कर लीजिए, अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। मैंने टाइप कर लिया है, आपको एंटर प्रेस करना है। अभी मैं बोल्ड को रिमूव कर देता हूँ, बाकी का इन्फॉर्मेशन भी टाइप कर रहा हूँ।
मैं यहाँ का स्पेसिंग रिमूव करना चाहता हूँ, इसके लिए आप इस तरीके से सेलेक्ट कर ले। लाइन एंड स्पेसिंग में जाने के बाद आप शायद इस पर क्लिक कर दे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अभी मुझे सिग्नेचर और बाकी का इन्फॉर्मेशन लिखना है यहाँ पे, उसके लिए आप इंसर्ट पे जाए, सेव टेक्स्ट बॉक्स ले ले, आप ड्रॉ कर दे इस तरीके से। सेव फील नो रखे, आउटलाइन नो, आप टाइप कर ले यहाँ पे। तो मैंने टाइप कर लिया, तो ये टेक्स्ट बॉक्स काफ़ी बड़ा है तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। मुझे ऊपर एक लाइन चाहिए, उसके लिए मैं होम पे जाता हूँ। आप बॉर्डर पे जाए और टॉप बॉर्डर पे क्लिक करें और सेंटर, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देता हूँ और एक यहाँ भी रख देता हूँ। मैंने जो टाइप किया वो कुछ काफ़ी बड़ा है तो मैं इसे छोटा कर, इस तरह से आप लंबा कर दे तो ये सही हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट कर ले इस तरीके से। फॉर्म लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक लोगो चाहिए। उसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना है, सेव, और फिर आप इस पर क्लिक कर ले ओवल पे। आप शिफ्ट दबा के ही ड्रैग कीजिएगा। और नेक्स्ट आप इसे यहाँ रख दे, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं छोटा कर रहा हूँ। छोटा करते समय आप शिफ्ट दबा लें, उसके बाद इस कॉर्नर से छोटा करें। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ लोगो डाल देते हैं। सेव फिल जाना है, अभी पिक्चर फ्रॉम ए फाइल, आपको वहां जाना है जहां आपने अपना लोगो रखा है। ये रहा लोगो, मैं इस पे क्लिक करके इंसर्ट करता हूं, यहां आ गया। मैं आउटलाइन रिमूव कर देता हूं। नेक्स्ट हमें कैटेगरी पे कुछ इंफॉर्मेशन टाइप करना है, तो आप इस तरीके से टाइप कर ले। आप टैब प्रेस करें, नेक्स्ट हमें यहां बॉक्स चाहिए, उसके लिए आप इंसर्ट पे जाए, सेप रेक्टेंगल पे क्लिक करें और ड्रॉ कर ले इस तरीके से। सेव फिल नो, आउटलाइन आप ब्लैक ले ले और उसे आप यहां रख दे इस तरीके से। फिर कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर ले, इससे मूव करके आप यहां रख दे। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, आप इसे मूव करके यहां रख दे। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, आप इसे मूव करके यहां रख दे। नेक्स्ट में आप शिफ्ट प्रेस करके इन सब पे क्लिक करें जिससे सारा का सारा बॉक्स सेलेक्ट हो जाए। तो ये सारा का सारा सेलेक्ट हो चुका है। अभी आपको अलाइन पे जाना है, अलाइन टॉप पे क्लिक करना है। आप थोड़ा इसे अरेंजमेंट कर ले इस तरीके से, ग्रुप पे क्लिक करके इसे ग्रुप कर दे। हो गया, मैं फोन नंबर के लिए बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे। उसके लिए आपको रेक्टेंगल लेना है, आप इसे ड्रॉ कर दे इस तरीके से। सेव फिल नो, आउटलाइन आप ब्लैक दे दे। अगर लगता है आपको छोटा बना है तो आप थोड़ा इंक्रीज कर दे इस तरीके से। मैं यहाँ रख रहा हूँ। फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं। फिर आप शिफ्ट से इसे क्लिक करें जिससे ये भी सेलेक्ट हो जाए। आपको अलाइन पे जाना है और टॉप पे क्लिक करना है, थोड़ा मूव कर ले। हो गया, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रेडी है।
अभी हम इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए आपको फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट पे जाना है, क्रिएट पीडीएफ जाना है, और फिर मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, मैं फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर आप इसे पब्लिश पे क्लिक करें। आप देख लीजिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म रेडी है। थैंक यू फॉर